कोरोना वायरस जैसी वबा से आज पूरा मुल्क लड़ रहा है और इसको देखते हुए हिंदुस्तानी फौज भी आवाम की हर मुमकिन मदद कर रही है। फौज ने आर्टिलरी रेजिमेंट मेंढर की जानिब से कई इलाकों में रहने वाले साबिक फौजियों और बहादुर खवातीन को जरूरी सामान तकसीम किया। मेडिकल स्क्रीनिंग की इस दौरान फौज के डॉक्टर्स ने उन्हें कोरोना वायरस जैसी वबा के मुतालिक बेदार किया और इससे बचने के तरीके बताए। आर्टिलरी रेजिमेंट ने यहाँ एक्स सर्विसमैन और वीर नारियों को बुलाया। यहाँ पे उन्होंने मास्क, हैंड ग्लोव्स, राशन और CST का सामान यहाँ पर तकसीम किया और यहाँ पर कोरोना के बारे में भी बताया गया कि क्या करना है, आपको कैसे रहना है। लॉकडाउन के सबब दिल्ली और जम्मू में फंसे लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जम्मू से 14 मई से राजधानी स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। लोग अपनी अपनी मंजिल को तो निकल पड़ते हैं, पर लोगों में कोरोना को लेकर खौफ बरकरार है और उस खौफ को कम करने के लिए जम्मू से रवाना होने वाले मुसाफिरों को पुलिस इंतजामिया का अमला विदाई देने हर रोज रेलवे स्टेशन आता है। पुलिस का ये तरीका सफर करने वाले मुसाफिरों को खुशी का एहसास देकर उनकी कशीदगी दूर करने में मदद करता है। खाकी के इस नए रूप में एक नया रंग उस वक्त घुल गया जब राजधानी स्पेशल ट्रेन के मुसाफिरों को विदाई देने आए सीनियर पुलिस अफसर SDPO ईस्ट विक्रम कुमार ने दिल्ली जा रहे एक मुसाफिर से उसकी गिटार लेकर झूम झूम कर अपने जमाने का मशहूर गाना गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी दिल्ली हो गया गाना शुरू कर दिया और प्रोटोकॉल पूरा करने के लिए 2 घंटे पहले जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचकर लाइन में लगे लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस का ये रूप खूब पसंद आया। श्रीनगर में SMC कॉरपोरेशन की जानिब से एक मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में आवारा बीमार कुत्तों को पकड़कर उनका इलाज किया जा रहा है। SSMC के मुलाजिम आवारा कुत्तों को चारा डालने का काम भी कर रहे हैं। वादी कश्मीर में लॉकडाउन के सबब इन कुत्तों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिसके सबब SMC ने यह फैसला लिया है ताकि इन कुत्तों को बीमारी और भुखमरी से बचाया जा सके। कुलगाम के पंचाल इलाके में फंसे 30 लोगों को SDRF ने महफूज निकाल लिया। इन सभी लोगों को महफूज मकामात पर रखा गया है और सबके खाने पीने का इंतजाम किया गया है। कुछ दिन कबल खानाबदोश की 5 फैमिली डिस्ट्रिक्ट रियासी में कश्मीर के लिए निकली थी, पर एक आए एवलांच के सबब ये सभी लोग फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू कर महफूज निकाल लिया गया। जो है SDM डीएसपुरा की तरफ से हमें एक कॉल आई थ्रू PCR कि यहाँ पे जो है कुछ जो है यहाँ पे बकरवाल जो है फंसे हुए जो स्नो एवलांच में आए थे, स्नो एवलांच की जद में आए थे। तो जूँ ही हमें वो कॉल आई, हमने यहाँ पे हम वहाँ से DPL से हमने अपनी टीम जो है SDRF की टीम प्लस JK पुलिस की टीम और यहाँ पे जो SDPO ये दमाल हाजीपुरा SHO और कुछ जो हमारे पास जो रेवेन्यू के ऑफिसर भी थे वो भी है, हमने हम वहाँ तक पहुँच गए और हमने वहाँ पे वो रेस्क्यू अंजाम दिया। वहाँ पे जो है जो 5 फैमिलीज आई थी रियासी से 14 तारीख को तो वहाँ से वो निकले थे, तो यहाँ पे जब वो पहुँची तो सुनो सिटारम आया तो उनके कुछ जो है 120 तक कुछ बकरियाँ जो है और जो 10-20 जो है घोड़े उनके जो है वो मर गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो ह्यूमन लाइव्स जो है जो जितने भी इंसानी जानें वहाँ थी वो सब जो है वहाँ पर बिल्कुल सेफली वहाँ पर दूसरी जगह पर वहाँ पर पहुँचाई गई। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस इलाके में, आपको बताते चले कि 4 रोज पहले रियासी से कुछ फैमिली जो है खानाबदोश वो सफर के लिए निकले थे, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ये पीर पंचाल एरिया मेरे पीछे जो है पीर पंचाल एरिया है, इसी पीर पंचाल एरिया से जहां अभी भी तकरीबन 20 या 15 फुट बर्फ जो मौजूद है, तो लेकिन हर साल रिवायती तौर जो खानाबदोश लोग हैं इसी रास्ते से वायरद कश्मीर होते हैं, लेकिन पिछले 4 रोज से ये जो फैमिलियाँ रियासी से निकले थे लेकिन मुसलसल तौर पर इनको अपने फैमिलीज के साथ रबता मुनकता था, लेकिन आज सुबह
आलम सुबाही जो इतला मिली थी उसमें एसडीआरएफ कुलगाम और महकमे दीद तरक्की और उसके साथ साथ महकमे माल के मुलाजमों और अमले ने उन सभी लोगों को रेस्क्यू किया है एक ऊपरी इलाके में। लेकिन अभी आपको मैं ये बता दूं कि ये पूरा जो इलाका है वसी तरीज इलाका है, यहाँ अभी भी काफ़ी बर्फ है, उनको एक ठिकाने पर बिल्कुल पहुँचा है जहाँ पर उनके लिए खाने पीने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। खुर्शीद आलम, जी मीडिया, पीर पंचाल, नंदीबरक। शहद की मक्खी को पालने के कारोबार से जुड़े 4 लाख के करीब लोगों की रोजी रोटी पर कोरोना वायरस के सबब तलवार लटक रही है। ना तो उनका बना शहद बिक रहा है और ना ही नए शहद को बनाने के लिए फूल वाले इलाकों में माइग्रेशन ही मुमकिन हो पा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन की वजह से तकरीबन हर शोबा मुतासर हुआ है। मुसलसल लॉकडाउन की वजह से जम्मू कश्मीर की मधुमक्खी पालने की पुरानी रिवायत वाला कारोबार एक बड़ी परेशानी का सामना कर रहा है। कई मधुमक्खी पालने वाले कारोबारी अपने प्रोडक्ट को घरेलू और बाजारों तक पहुँचाने से कासिर हैं। कश्मीर को प्रकृति ने बहुत सारे वरदान दिए हैं। खूबसूरत तो ये जगह है ही, लेकिन यहाँ से कुछ ऐसे चीजें भी बनते हैं जो देश विदेश मैं बहुत ही प्रसिद्ध है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शहद बन रहा है, कश्मीर का शहद जो विश्व भर में मशहूर है, यहाँ से ये एक्सपोर्ट होता है फ्रांस, यूएई, अमेरिका, हर जगह पर ये एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते इस पर भी उसकी मार पड़ी है। करीबन यहाँ पर जो हमने बात की है इनसे जो ये बनाते हैं शहद यहाँ पर बी कीपर से, उनके मुताबिक 250 मीट्रिक टन शहद जो है कश्मीर घाटी में बनता है और करीबन इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है 4 लाख लोग, जिनमें 1 लाख करीबन युवा है जो जुड़े हुए हैं, उन सबको इस कोरोना वायरस की वजह से मार झेलनी पड़ रही है। क्योंकि शहद बन रहा है और जो माइग्रेशन इनको करनी पड़ती है फूलों के लिए वो नहीं हो पा रही है। शहद तो बन रहा है लेकिन उनको ख़रीदार कोई नहीं है। ये बेचना चाहते हैं बाहर लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन केवल जो है भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चल रहा है और जिसके कारण इन्हें बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ रही है और इन्हें लग रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले वक्त में शायद ये अपना ये कारोबार जारी ही न रख पाए। ये ताजिर आमतौर पर दीगर मकामात और रियासतों में फूलों की तलाश में नकले मकानी करते हैं, लेकिन अब उन्हें डर है कि लॉकडाउन से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है। आमतौर पर मधुमक्खी पालने वाली अपनी मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ पंजाब और राजस्थान जैसी रियासतों और कश्मीर के दीगर इलाकों में चले जाते हैं जहाँ वो शहद की मक्खी की परवरिश करते हैं और शहद जमा करते हैं। श्रीनगर में मधुमक्खी पालने वाले बिलाल अहमद कहते हैं कि हम नकले मकानी करते हैं, उसमें काफी मुश्किल पेश आती है। लॉकडाउन की वजह से वो फंस चुके हैं, उनके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो बी कॉलोनी को चलाएं। विंटर माइग्रेशन होता है, अगर ऐसे ही हालात रहे तो वो माइग्रेशन की सोच भी नहीं सकते और सर्दियों में शहद की मक्खी यहाँ पर नहीं रह सकती। इसे गर्मी चाहिए, ये टालियान बी है, इसको गर्मी जरूरी है। आगे की नकले मकानी भी मुमकिन नहीं है। एक तो हम यहाँ कश्मीर के मार्केट में, दूसरा डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में, और उससे तीसरे पॉइंट पे जो अहम और मेन है वह इंटरनेशनल मार्केट। हमारी सप्लाई फ्रांस और यूएई वगैरह में जाती है। तो जो ये लॉकडाउन की वजह से हमारे पेपर्स नहीं बन पाते हैं, हम अपनी जो पेंडिंग ऑर्डर्स हमारे हैं वो पूरे नहीं कर पाते हैं। जम्मू और कश्मीर के इलाकों में माहौल अच्छा होने की वजह से मधुमक्खी पालने के लिए माकूल माना जाता है, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन शहद के प्रोडक्शन के लिए एक बड़ी चुनौती है। घाटी ने पिछले साल 350 टन शहद का कारोबार किया था जिसमें कई तालीम याफ्ता नौजवानों ने अपने कारोबार को शुरू किया था। बिलाल अहमद ने कहा कि इस कारोबार के साथ 1 लाख से ज्यादा नौजवान जुड़े हैं और उनके साथ मजदूर भी हैं जो 3 लाख से ऊपर हैं। यहाँ शहद का कारोबार 250 मीट्रिक टन के करीब होता है। सर, जहाँ तक इस ट्रेड की बात करें कश्मीर के रिलेटेड, तो तकरीबन 1 लाख से ऊपर जो नौजवान हैं वो इस ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ लेबर्स भी है जो 2-3 लाख से ऊपर है। तो इस प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन तकरीबन 250 मीट्रिक टन से ऊपर ही कश्मीर में हुआ करता है। लॉकडाउन होने की वजह से जो बी कॉलोनी डैमेज हुई है उससे हमारी जो प्रोडक्शन है उस पर भी असर हुआ है।
ताजिरों को ये भी डर है कि कोविड 19 के सबब लोग अपनी मधुमक्खियों के साथ हिजरत ना कर जाएं, जिससे नुकसान तो झेलेंगे ही, साथ ही लॉकडाउन की वजह से जो शहद उनके पास है वो उसे बेच भी नहीं पाएंगे। घाटी के सभी 10 जिलों में शहद प्रोडक्शन का अहम रोल होता है। अब अगर ऐसा ही हालात रहा आगे की तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम माइग्रेशन करें कि ना करें, और हमारा लॉस 50-60% निश्चित है। जैसे हमारे पास बी कॉलोनी 100 है तो उसमें 30-40-50 का लॉस निश्चित है। चाहे कितना भी एक्सपीरियंस बी कीपर हो, तकरीबन 10-20 या 30 कॉलोनी उसकी भी डैमेज हो जाती है हर साल। बिलाल कहते हैं कि कश्मीर और मुल्क के बाजारों के साथ जो अहम बाजार हैं वो आलमी बाजार हैं। यहाँ से फ्रांस, यूएई समेत कई मुल्कों में शहद सप्लाई किया जाता है। गौरतलब है कि कश्मीर का शहद दुनिया भर में मशहूर है। जहाँ भी शहद की बात होती है तो ताजिर पहले कश्मीर के शहद की बात करते हैं, मगर इस कारोबार और इससे जुड़े लोगों पर कोरोना वायरस की वजह से बड़ा बोहरान मंडरा रहा है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन के चलते गांव और देही इलाकों में चल रहे जो घराटों पर काम बढ़ गया है। आटा चक्की के बंद होने के सबब अब लोग घराटों का रुख कर रहे हैं। पिछले कई सालों से मशीनी युग के चलते लोगों ने घराटों में अपने अनाज को पिसाना बंद कर दिया था, अब फिर से लोगों ने घराटों की तरफ अपना रुख कर लिया है। मुल्क भर में कोरोना के खिलाफ जंग और लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जहां लोग कई किस्म की परेशानियों से दो चार हैं और धीरे धीरे लॉकडाउन में नरमी दी जा रही है। लेकिन अभी भी लोग घरों में बंद हैं और एहतियात बरत रहे हैं। इसी बीच लॉकडाउन के चलते पुंछ के नदी नाले में मौजूद घराटों की तरफ लोगों का फिर से आना शुरू हो गया है, जिससे घराटों के मालिक काफी खुश दिखाई दिए। आजकल घराटों पर काम काफी बढ़ गया है। लॉकडाउन के चलते बिजली के साथ चलने वाली सभी आटा चक्की बंद हैं और इसी की वजह से पानी पर चलने वाले इन घराटों का काम काफी बढ़ गया है। वही घराट चलाने वाले लाल हुसैन का कहना है कि हमारा यही काम है, मैं पिछले 60 सालों से यही काम कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे पिताजी भी यही काम किया करते थे, पर पिछले कुछ सालों से हमारा काम काफी कम हो गया था। लोग जल्दी के चक्कर में शहर में बिजली के साथ चलने वाली चक्की पर चले जाते थे और फिर हमारे काम में काफी कमी आ गई थी। पर अब कोरोना बीमारी के कारण लगे लॉकडाउन से लोगों ने फिर से घराटों पर आना शुरू कर दिया है। काम काट गया था पीछा बाद ही फिर बाद थोड़ा चलो रोजगार चलनी है, तिहाड़ी तिहाड़ी चलाने राती कार चले जाने ते शहर लागे जान लोग ते शहर लागे ले आन किसान लागे चक्कियां भरो मशीना भरो ते इस वास्ते घराटा ना काम जरा सा काट गया। हूँ फिर जिला लॉकडाउन लग गया, 2-3 महीने हो गए ते चलो थोड़ा मोट काम जरा ये चलना है ते गुजारा करने। हाँ हूँ ठीक चलना तकरीबन। कोई काम हो गया था ते घराट भी बंद हो गया उधर बाजार में, उधर लोग कीमती ले लेते थे, उधर चक्की पर पी लेते थे। अब हूँ ठीक हो गया मसला हमारा, जैसा पहले चलता था ऐसा काम हूँ फिर दोबारा ठीक हो गया, चल रहा है इस वक्त, आता दाना गला यहाँ आता है तो ठीक काम चल रहा है इस वक्त ठीक। उनसे पहले काम तो कम ही हुआ करता था, जैसे ये अपने साथ साथ में गाँव के ही लोग हो गए तो वही आते थे। अब जहाँ से लॉकडाउन हुआ है तो चक्कियाँ बंद हो गई हैं, तो जो दूर दराज से भी लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और काम बढ़ गया है यहाँ पे। चक्की का काम मेरा काम है, ये बढ़ गया है, एक बहुत काम अच्छा काम हो, टाइम ही नहीं मिलता यहाँ पे, दिन रात ही काम करते हैं। तो पहले तो रात को बंद कर देते थे लॉकडाउन से पहले, इतना काम नहीं होता, लॉकडाउन में काम बढ़ गया है, बहुत काम बढ़ गया है। वही मकामी लोगों का कहना है कि पहले यहाँ पर भीड़ नहीं हुआ करती थी, पर अब हमें बारी का इंतजार करना पड़ता है। साडा जड़ा इतने भी घाटन हाल भी बुरा है, हम इतने भी मक्का बढ़िया आ गया, सिटी ना माल भी इधर आने लगा, बाजार जल्द बंद है, चक्के ना माल इतने आने लगा, इतने भी असंगे आटा जल्दी नहीं लगना, बड़ी मुश्किल है जी। उसकी वजह से वो चक्की चुक्की जो है वो बंद हो गई है, तो यहाँ भी हमें बाहरी मिलती है 2-3 दिन के बाद। यहाँ काम अच्छा चल रहा है, घराट का जो काम है वो अच्छा चल रहा है,
इसलिए हम यहाँ आए हैं आटा के लिए आए हैं, ले जाएंगे। यहाँ पर बहुत रश है, दो दो तीन तीन दिन हमें बारी चार चार पाँच पाँच दिन नहीं मिलती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से इस मर्तबा रमजान उल मुबारक का महीना गुज़श्ता बरसों के मुकाबले बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा है। लोग अपने अपने घरों में ही नमाज, रोजे और दीगर इबादात का एहतमाम कर रहे हैं और यूं तो रमजान का पूरा महीना ही बाबरकत है और मुमताज खसूसियात का हामिल है, लेकिन रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की अहलियत और फजीलत सबसे ज्यादा है और अहमियत और फजीलत, और इसी अशरे में शब कदर होती है जिसमें रात भर लोग इबादत और रियाजत करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं। हर साल आखिरी अशरे में खरीदारी और इबादत में भी ज़ौक और शौक से लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार लोग रमजान की इन रौनकों से महरूम है। मकामी मस्जिद के इमाम ने इस ताल्लुक से अपने ख्याल और तासुरात जाहिर किए। फरमान है और जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदें अल्लाह का घर है और इनमें इबादत हर एक मुसलमान बंदा पर फर्ज है और जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को बड़ी अहमियत दी है। चुनांचे आपको पता है माह रमज़ान मुबारक का अजीम महीना चल रहा है, तो तीन जुमा हो गए हमें यहाँ नमाज न पढ़ते हुए, लेकिन अल्लाह ताला का फजल साथ होना चाहिए और ये जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा ये जो बीमारी है, वबाई बीमारी है, इससे हमको निजात मिलनी चाहिए। इस अशरे की यह अहमियत कि इनके 10 दिनों में 5 शबों की तलाश भी की जा रहा है और इन 10 दिनों में आखिरी अशरे में जो है ख़ास कर एक इबादत मानी जाती है, इतिकाब किया जा रहा है, तो इस लिहाज से हम ये कहना चाहते हैं कि जो कि COVID-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है मुल्क में, इस लिहाज से ये कहना हम चाहते हैं कि ज़्यादातर इबादतें, ज़्यादातर ये जो शब कदर की रातें ढूंढी जाती है वो घर में ही की जा रही है। माह रमजान इस वक्त आखिरी पड़ाव पर है और वैसे तो रमजान का पूरा महीना इबादत का है, लेकिन महीने के आखिरी दिनों में कोई भी अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं रहना चाहता और इस अशरे का सबसे बेहतरीन अमल एतकाफ है। उलमा का कहना है कि एक आदमी एतकाफ में बैठ जाए तो पूरी बस्ती का हक अदा हो जाता है, अल्लाह उस बस्ती पर आने वाले अजाबों को हटा लेता है और बैठने वाले को दो हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। और इस बार कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन चल रहा है और लोग मस्जिद में ना जाकर अपने घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं, इसलिए मस्जिदों में एतकाफ में बैठने वालों में भी काफ़ी कमी आई और इस बार पुंछ की हर मस्जिद में एक ही रोज़ेदार एतकाफ के लिए बैठा है। वहीं इमाम अब्दुल मजीद ने जी मीडिया से बात करते हुए बताया कि पहले मस्जिद में बड़ी तादाद में तकरीबन 50-50 लोग एतकाफ के लिए बैठते थे। जो कि पहले मसाजिद के अंदर जो है इज्तमाही तौर पर एतकाफ भी किया जाता था, लोग जो है गाँव देहात से आकर के मसाजिद में बैठते थे, वहाँ पर जो है उनको तबलीग भी की जाती थी, उनको जो है मज़ीद जो है मालूमात भी हासिल होती थी, लेकिन इस साल जो सूरत हाल आप सब के सामने है कि ये कोरोना वायरस की वजह से तमाम दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है और इसका असर जो इस पर भी बड़ा है। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में पुंछ के सेरी मस्तान ट्राइबल वेलफेयर की जानिब से शहर के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में रोज़ा अफ्तार कराया गया। अस्पताल में दाखिल मरीजों और उनके साथ रहने वाले तीमारदारों के लिए माह रमजान में रोज़ा अफ्तारी का इंतजाम हर दिन किया गया है। अफ्तार तकरीब में बड़ी तादाद में आम लोग और तंजीम से जुड़े लोग एक साथ रोज़ा अफ्तार करते दिखे। रोज़ा अफ्तार के बाद आलमी वबा को ख़त्म करने के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। ज़िला हॉस्पिटल, पूरे ज़िला का ये ऐसा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर सावजियाँ, मैंडर, सुरंगकोट, लोरन, हर जगह से लोग आते हैं और परेशान होते हैं। लॉकडाउन में दुकानें बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ ही से काम शुरू किया जाए और हमने पूरे महीने के लिए यहाँ इफ्तार और खाने का अहतमाम जो है सरी मस्तान ट्राइबल वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से किया गया है, जो ईद तक जारी रहेगा। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि 300 के करीब लोग यहाँ तादाद लोगों की बढ़ रही है, लोग परेशान होते थे और शहरी के लिए भी लोग यहाँ से ले जाते हैं सामान अपना खाने पीने का जो है। तो ये हमने जो है फर्स्ट रमज़ान से जो है हमने ये स्टार्ट किया था, इसमें जो लॉकडाउन की वजह से लोग बहुत परेशान थे तो हमने सोचा सबसे अच्छा यही रहेगा कि इस लोगों की अफ्तारी वगैरह उनके खाने का इंतज़ाम किया जा सके। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है, आप रहिए जी सलाम के साथ।